आपकी होस्ट पुष्पा, वेलकम माय यूट्यूब चैनल WRM। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं जौहर की बहुत ही मशहूर और बहुत ही लजीज ब्रांच पे, ओताक रेस्टोरेंट, जो कि है कल्चर वाइज सिंधियों का, लेकिन खाना इनका बहुत ही मजेदार है। इनके पास बहुत सारे ट्रेडिशनल चीजें हैं जो कि मैं आपको चलते हुए दिखाऊंगी। रेस्टोरेंट का लुक और यहाँ की बहुत ही मजेदार, मैंने बड़ी तारीफें सुनी है, तो मैं इसलिए सिर्फ आप लोगों के लिए आई हूँ इस जगह पर। और यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग यहाँ पर आए, यहाँ का खाना ट्राई कीजिए। यहाँ की जो मैंने मशहूर खासियत सुनी है वो है सरसों का साग, मकई की रोटी, चावल की रोटी, और क्या बोलते हैं उसको, सरसों का साग तो बहुत ही मजेदार है, पालक पनीर हो गया, दाल पनीर हो गया, इस तरह की यहाँ पर सारी चीजें आपको मिलेंगी। जब भी आपका दिल करे इस तरह के ट्रेडिशनल खाने खाने का, तो आप लाजमी यहाँ पर आए, यहाँ आकर ट्राई कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। और अब हम आपको ऑर्डर देने के बाद बताएंगे कि यहाँ का खाना है कितना मजेदार। आइए हमारे साथ। जी वेलकम है ओताक के किचन में मौजूद हूँ। मेरे सामने ही ये सरसों का साग बन रहा है, बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही मजेदार। हमने अपने भाई से पूछा किस तरह से बनाते हैं, इसमें क्या क्या मसाले ऐड होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने बताया नहीं कि आपने किस तरह बनाया, इसमें क्या क्या ऐड किया आपने? सबसे पहले तेल डाला, उसके बाद अदरक लहसुन डाला, अदरक लहसुन डालने के बाद टमाटर का ग्रेवी, फिर इसमें साग डाले, मसाले डाले और देसी घी डाले। ओताक रेस्टोरेंट के ऑनर से बात कर रही हैं, यहाँ के मैनेजर, और हमें ये बताएंगे यहाँ की जो खासियत है, कौन सी चीज ज्यादा मशहूर है और कौन सी मजेदार है जो हम ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जबल। जबल, इनका नाम जबल है। जबल जी, आप मुझे बताएंगे कि यहाँ की जो खसूसियत है, वैसे तो मुझे लगता है कि यहाँ की सारी चीजें बहुत ही खसूसी हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर, हमारे कराची में इस तरह की चीजें बहुत कम मिलती है इस कल्चर की, तो आप मुझे बताएंगे यहाँ की सबसे स्पेशल चीज कौन सी है? अच्छा, मेरे पास तो माशाल्लाह सारी स्पेशल है। वैसे मेरे पास जो रनिंग है फूड की, वो है सब्जियाँ। सब्जियाँ मेरे पास ऐसी है जो कराची में अक्सर नहीं मिलती है। ऐसा ना हो कि घरों में तो लोग बनाते हैं, जो सिंधी लोग होते हैं वो, क्योंकि फूड हमारा एक ट्रेडिशनल, तो हमारे पास भिंडी फ्राई है, मिक्स सब्जी है, दाल मखन है, करेले पे है, साग, पली, पली भी मटर चनों का एक साग होता है। अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी है कि सरसों का साग और मकई की रोटी, या एक होता है बाजरे की रोटी, मैंने उसमें, वो बहुत ही कोई मजेदार होती है। जी हाँ, वो दरअसल होती है चावल की रोटी। अच्छा। सरसों का साग और चावल की रोटी, ये लाड़काने के लोग जो होते हैं ना, शौक से खाते हैं। तो फिर आज आप हमें क्या खिलाना चाहेंगे? वही जो आपने फरमाइश की है। चलिए, तो फिर हम खाते हैं सरसों का साग और मकई की और चावल की रोटी, ठीक है? एक होती है बुसरी, जो गुड़ में बनती है, वो तो हमारी ट्रेडिशनल है। अच्छा, ये भी रोटी होती है एक किस्म की। ये देखिए विवस, एक और किस्म की रोटी होती है, क्या नाम है उसका? भुसरी। भुसरी, मुझे लगता है जो भूसे टाइप की होता है उसकी, मैंने सही पहचाना, उसकी रोटी होती है। चले, वो तो हम खा के बताएंगे आपको कितनी मजेदार है यहाँ का खाना, लेकिन आपने आके जरूर करना है ट्राई। जी, इसके साथ ही हम चलते हैं अपने खाने की तरफ। आइए। जी रिवर्स, खाना हमारा आ चुका है, खाने के बाद बताऊंगी कि खाना है कितना मजेदार। तो आइए हम ट्राई करते हैं यहाँ का मजेदार सरसों का साग, जिसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप देख रहे हैं कितना प्यारा और खूबसूरत ग्रीन कलर है इसका। और इसके साथ इन्होंने दिया है कि मिट्टी के बाउल में रायता। तो हम ये शायद बाजरे की रोटी है, इसे खा के देखते हैं पहले। बिस्मिल्लाह। बहुत मजेदार है। चावल की रोटी से भी खा के दिखाते हैं आपको। ये चावल की रोटी है। बहुत मजेदार। चावल की ज्यादा मजेदार लग रही है। आप लोग आए और यहाँ का खाना जरूर ट्राई कीजिए। जी
जी विवर्स, तो हमने यहाँ का खाना खाया और यहाँ का खाना था बहुत ही मजेदार, जैसे कि मकई की रोटी और सरसों का साग मैंने आपको खाते हुए भी दिखाया, कितना मजेदार खाना था। मुझे खा के बहुत सुकून मिला क्योंकि मैंने काफी टाइम बाद इस तरह का खाना खाया। आप भी लाजमी आए, यहाँ का सिटिंग एरिया ऊपर भी बहुत अच्छा है, बहुत पुरसकून है, नीचे भी बहुत अच्छा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और जाने से पहले मेरे चैनल WRM को लाजमी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।